युवक की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में विवाद चल रहा था। सैपव थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के बसेड़ी मार्ग पर खपरेला गांव के नजदीक 21 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर की गई निर्मम हत्या के मामले में 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि 6 जुलाई 2022 की रात्रि को बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नगला रायजीत निवासी 21 वर्षीय विशाल लोकेंद्र व 23 वर्षीय रघुवेंद्र नागलार रायजीत एक बाइक पर सवार होकर तसीमो गांव रमन को छोड़ने जा रहे थे, लेकिन पुरानी रंजिश को लेकर सड़क पर घात लगाए बैठे 23 वर्षीय जसवंत उप जस्सू पुत्र बाबू सिंह निवासी सहरौली, 24 वर्षीय प्रदीप उर्फ पर्रा पुत्र घूरेलाल निवासी सहरौली, 20 वर्षीय देवेंद्र पुत्र बाबू सिंह निवासी सहरौली के साथ करीब 8 लोगों ने घेर लिया। आरोपियों ने तीनों बाइक सवार युवकों की चलती बाइक पर पीछे से डंडों द्वारा हमले किए, लेकिन खपरेला गांव के पास बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे तीनों बाइक सवार गिर पड़े। इसके बाद सभी आरोपियों ने लामबंद होकर लाठी डंडे व सरिये से हमला कर दिया। थाना प्रभारी ने आरोपियों द्वारा किए गए हमले में विशाल की मौत हो गई, वहीं रमन और राघवेंद्र घायल हो गए। मृतक के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या के मामले में तीनों मुख्य आरोपियों को रविवार को थाना क्षेत्र के कैथरी नहर के पास से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्या के मामले में फरार शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये सर, हत्या के मामले में क्या कार्रवाई हुई है? थाना क्षेत्र के जो खपरेला गांव पे जो घटना हुई थी, उसमें जो नामजद आरोपी थे देवेंद्र, जसवंत, प्रदीप को आज गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है। और कुछ सर इनसे बरामद हुआ है? कुछ अभी इनको 3 दिन के पीछे रिमांड पर लिया हुआ है। आगे और अनुसंधान में जो भी साथ में कौन था, क्या क्या वेपन्स थे, उनकी सारी बरामदगी की जाएगी।